Assalamualaikum जी, we are back with another vlog, with another day. तो जैसे कि आज आपको पता है कि आज ईद है, तो मौसम बड़ा स्नैक्सी हुआ है, तो ईद ठंडी हो रही है. तो अभी मैं उठा हूँ, अभी लोगों के घरों में देनी है थोड़ी सी फिरनी वगैरह, मतलब ईद पे जो मीठा होता है वो देना है. तो देख कर उसके बाद फिर इंशाल्लाह तैयार होते हैं, फिर ईद की नमाज पढ़ने के बाद फिर आपको ईद मुबारक कहेंगे. अच्छा, और मौसम कितना प्यारा आज बना हुआ है यार, अल्लाह पाक ने आज तो खास करम कर दिया. आज तो ईद जो है ना वो ठंडी हो जाए. तो हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, बाबा लोग दूसरी मस्जिद में चले गए हैं, तो हम ये एक और मस्जिद है वहाँ पे जा रहे हैं वालिम साहब. तो अब नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं. चलो. तो फाइनली हम नमाज वगैरह पढ़कर फ्री हो गए थे, तो अब हम जाने लगे हैं अपने रिलेटिव्स के घर, क्योंकि मेरे बाबा फैमिली में सबसे बड़े हैं. तो हम उनके तीनों बेटे, हम जाते हैं अपने चाचू मामू जितने मतलब रिलेटिव्स हैं ना उनके घर जाते हैं, हर ईद पे ही जाते हैं. तो चूंकि बाबा बड़े हैं, फिर बाबा घर रहते हैं, तो कुछ फैमिलीज हमारी तरफ आ जाती हैं और कुछ की तरफ हम चले जाते हैं. तो अब हम नमाज वगैरह पढ़ कर फ्री हो गए थे, तो अब हम जाने लगे हैं उधर. तो लेट्स गो, फिर चलते हैं. Two hours later. तो फाइनली हम उधर से फ्री होकर आ गए हैं घर सबसे मिलकर. तो उधर व्लॉग मैं नहीं कर सका बहुत, वो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो बड़े बैकवर्ड लोग हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि बार बार कैमरा खोलना और उनकी वीडियोस बनाना उनको अच्छा नहीं लगता. तो वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर सका. तो अब रात को दोस्त आएंगे, तो फिर उनके साथ थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही करेंगे. अभी मैंने कज़न को भी इनवाइट किया हुआ है, उसको बड़ा शौक है यार, वो कहता है मुझे व्लॉग मिलो. तो उसको भी मैंने कहा है, वो भी अभी थोड़ी देर में आता है. फिर मैंने और भी दो तीन दोस्त हैं, जुनेद है, हमाद को भी कहा है, तो वो आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उनको भी व्लॉग में देते हैं. तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने उस कज़न के पास, अपना उत्तरी घर. घर कोई भी नहीं, मतलब मेरे पास एक अच्छा मौका है. समझ रहे हो ना? और ना यार ये क्या यार मिला, ये देखो ना, ये और ये खाली यार. अभी 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 मेरे अभी डालो ना, फिर पता चले ऑडियंस को भी. मैं अभी सर अभी अभी आप आए मैचिंग, वाह जी वाह, वाह बिला जी. तो अब हम आए हैं काशिफ की तरफ, ये हमारा कजन भी है, तो इसको बड़ा शौक था. ये मुझे तकरीबन मेरे 10-12 व्लॉग हो गए हैं, इसके हर व्लॉग के अंदर मुझे कमेंट करता होता है कि भाई मुझे भी व्लॉग में ले लो. तो आज फाइनली ये व्लॉग में आ गया, ठीक है. और ये वायरल है अब. अच्छा, अब मेरे 532 सब्सक्राइबर हैं. आप व्लॉग में आए हैं, थंबनेल आज 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 मोनेटाइज हो गया ना, इतने फॉलोअर होने हैं आज इसी व्लॉग ये अपलोड करो. अगर ये व्लॉग अपलोड ना हो, मतलब चैनल मोनेटाइज ना हुआ, तो फिर कहां से यहां तक आप कहोगे? आए चले, अब देख लेते हैं जी. काशी भाई आज व्लॉग में पहली दफा आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं जी मोनेटाइज आज करवा दूंगा इंशाल्लाह जी. लेट्स देखते हैं. तो आज हम हमें कुछ खिला भी रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं? यार ना मुझे ईदी मिली है. कितनी ईदी? तो वैसे मिली होगी यार, ईद है आज, तो हर किसी को ईद मिलती है, जो कोई फकीर वगैरह होते हैं वो. ना मुझे ईदी मिली है, तो ना उसमें से ना 200 मिली थी. हाँ, 50 लग गया. अच्छा, तो मैंने ना कोई फितराना भी देना है अपना, वो एक बंदे के ऊपर फर्ज होता है कि मतलब 150, वो ऐसे ईद से पहले हमने दे दिया, लेकिन आपको दोबारा भी हम दे देंगे. ठीक है यार, वो दें फिर मिक्स अप करके ना. अच्छा, जाते. अच्छा, और किधर जाना है यार? DSC चलते यार, उधर जाना है जिधर ना ये. समझ रहे हो ना, फुल करके आएंगे वहां पर. अगर आपने कोई मटन वगैरह खाना है तो वो आप मेरी तरफ चले.
यार मटन ना ईद हर रोज खाते हैं, मतलब गोश्त तो हर आपकी वैसे औकात है मटन खाने वाली? यार चिकन तो चिकन तो वो भी हर बंदा ही खाता है ना, मटन खाया करो भाई। चिकन को मैं मटन समझ के खाता हूँ। अच्छा, और चिकन मोस्टली डेज में हम चिकन खाते हैं, और आज ईद का दिन था तो आज हमने कटा का कट्टा कट्टा नहीं होता भाई, बीफ होता है। ओहो हो, तो ये वैसे इनका इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं, ये काशिफ है, ये मेरा एक बहुत अच्छा कजन है, और बाकी जो है ना उनका मैं आपको बता दूं ना अभी, तो अभी रोला पड़ जाए, ठीक है? तो रोला पड़ जाने जब उन्होंने अनसब्सक्राइब कर देना। तो इसके साथ मेरी पर्सनल शेयरिंग भी, मतलब हर मेरी जो बात है ना वो इसको पता होती है, हत्ता के मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम सबका पासवर्ड भी इसके पास है। चल झूठा, ऐसी बात भाई, ऐसी बात नहीं झूठा। इसने मुझे स्नैप से भी रिमूव किया हुआ है। तो यार ये ना एक मतलब ना स्टिक्स अच्छी नहीं भेजता, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने स्टिक्स ओपन करनी होती है हर किसी, और मैंने बड़े ना मखसूस बंदे हैं जिनको अपनी स्टिक्स में रखा हुआ है, वो बता दें आप कौन कौन है। नहीं बस वो बताने वाला है, मेंशन कर दीजिए कौन कौन है। नहीं नहीं, तो अभी फिर चलते हैं, चलें फिर चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं, ऑर्डर शॉर्डर कर दिया हुआ है। चौधरी यार अभी आया नहीं यार, बड़ी सर्विस लो है यार, क्यों ले गए हमें यहाँ पे यार? डीएफसी है, डीएफसी डी गजब बेइज्जती है। Approximately 10 hours. तो जी ये फाइनली रोटी शोटी आ गई है, पिज़्ज़ा सॉरी, तो खाइए आप, खाओ शुरू करो। सो आज के व्लॉग हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड, बहुत हल्ला गुल्ला किया, थक गए हैं आप तो नींद भी बड़ी आई हुई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।